जिस तरह से आप जानते हैं नवरात्रों का पावन अवसर जो है वो चल रहा है और उसके बीच आज चौथा नवरात्र है और हम जो है बाहुबली माता के दरबार में आ पहुंचे हैं। काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ जो है वो आज यहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, चौथा नवरात्र है और लोग जो है वो सुबह से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ आज संडे है, तमाम लोग जो है वो अपने ऑफिस या जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ से ऑफ लेते हैं और आज जो है वो माता के दरबार में आ पहुंचे हैं। भीड़ जो है वो आपको हम बताएंगे, तमाम तस्वीरें आपको जरूर बताएंगे, पर अगर हम मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग का काफी ज्यादा इशू जो है वो लोगों को बन जाता है। तो मैं बता दूँ सुबह जो है वो 4 बजे मंदिर खुलेगा और उसके बाद की अगर हम बात करें 1 से 2 बजे के बीच जो है वो माता को भोग लगेगा और रात के 9 बजे जो है वो मंदिर बंद हो जाएगा। पर अगर आप बात करें लोग जो है 9-10 बजे भी मंदिर आते हैं जिस वजह से उन्हें वापिस जो है वो भेजा जाता है और लोग काफी ज्यादा जो है निराश हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग जो है वो इस समय नवरात्रि जो है वो चल रहे हैं तो वो वैष्णो देवी भी जाते हैं, माँ वैष्णो देवी के दरबार में भी जाते हैं और बाबे वाली माता के दरबार में भी आते हैं। तो आपने तमाम तस्वीरें जो है वो मैं आपको बता दूं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो व्रत की अगर हम बात करें और लंगर की अगर हम बात करें, लोगों को बहुत ही जो है वो दिक्कत आती है। लोग सोचते हैं कि हम सुबह सुच्चे मुंह जो है वो माता के दरबार में जाएंगे और दर्शन जो है वो करेंगे पर बाद में क्या पता वहां पर व्रत वाला खाना होगा या नहीं होगा। तो तमाम लोगों को मैं कह दूं कि व्रत वाला खाना जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। व्रत का जो भी चावल होते हैं, आलू होते हैं, तमाम चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी और जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा होगा उनको भी जो है वो यहाँ पर बिना व्रत का खाना जो है वो यानी लंगर जो है वो मिलेगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और साथ साथ में जय माता दी लिखना ना भूलें। जिने जिने दर्शक अंदर हो जय माता दी।
Yeah, let's go.